कि भाजपा जो है वो 2024 में सत्ता से बाहर जाने वाली उस बीच संविधान को बचाना है। भाजपा हमारे लिए महत्व नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है, और टांग करके बाहर फेंकवाया था। ये वही बीजेपी वाले लोग हैं जो आज गुंडा गर्दी पे उतारू हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ हैं। सारिका जी, 18 और 17 जुलाई को जिस तरह विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बुलाई गई है, उसी समय 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन अपने तमाम घटक दल की बैठक बुला रहे हैं, लगता है कि कुछ उल्टा पुल्टा होगा? देखिए, बिहार में बैठक जब बुलाई गई थी तो लगभग 17 पार्टियां ने बिहार में साथ मिलकर विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, और अब आने वाले जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली उसमें लगभग 27 दलें होंगी शामिल। आप समझ सकते हैं कि पूरा देश किस बदलाव की तरफ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 9 सालों से केंद्र में शासित है और जिन्होंने देश की जो दुर्दशा कर दी है, महंगाई, बेरोजगारी और या महिलाओं के मुद्दे पे जो हालत हो गई है, तो भाजपा समझ रही है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत ऑलरेडी रास्ते पे हम लोग आ गए हैं, अब हम लोगों का कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, पूरे देश व्यापी ये मैसेज है कि भाजपा जो है वो 2024 में सत्ता से बाहर जाने वाली है। उस बीच जो विपक्षी एकता की बैठक हुई, इस दौरान आपके महागठबंधन से जीतनराम मांझी अलग हो गए, चिराग पासवान जो अलग थे ही लेकिन उन्होंने भी एनडीए का दामन थाम लिया, मांझी जी ने थाम लिया, तो अब लगता है कि बिहार की राजनीति भी अब बदल जाएगी, विपक्षी एकता कहीं ना कहीं कमजोर होगी। देखिए, मैंने पहले ही बोला कहाँ 17 कहाँ 27, तो दलों की बैठक में और लोगों की जो कहते हैं ना कि बढ़त हुई, और मैंने पहले भी कहा था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो ऐसी दलें जो आज हमारे इस जो बिहार में हुई थी महापंचायत उसमें शामिल नहीं, वो आने वाले दिनों में वो भी शामिल होंगे, और उसका ताज़ा तरीन आपके पास उदाहरण है कि आने वाले दिनों में 27 विपक्षी दलों की एक साझा बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, और सबका उद्देश्य एजेंडा वही है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। भाजपा हमारे लिए महत्व नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है। एक्चुअली भाजपा जो है किसी देश में किसी व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखता है। देश के व्यक्तियों को, लोगों को रोजगार चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, देश जो है संपन्न होना चाहिए, हर राज्य हर स्टेट जो है वो विकास की ओर जाना चाहिए, और ये उद्देश्य और इस एजेंडे पे मुझे लगता है तमाम विपक्षी दलें जो है एक हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, और जिस तरह बीजेपी के प्रोटेस्ट पर नीतीश सरकार की ओर से कहा जाए कि प्रशासन की ओर से लाठी चार्ज किया गया, तो बीजेपी भी पूरी एक्शन मोड में है। आज जांच कमेटी की टीम पहुंची है, लगता है कि बीजेपी जो कार्रवाई की मांग कर रही है वो होनी चाहिए। कैसा एक्शन? आप संसद में जा कर के आप नेता प्रतिपक्ष की तरफ कुर्सी उठा के गुंडागर्दी का व्यवहार कर, ये एक्शन है? ये किस तरह की मांग है मुझे समझ में नहीं आता। एक ऐसे माननीयों के द्वारा विधानसभा से में अंदर, पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने लोगों को टांग करके बाहर फेंकवाया था। ये वही बीजेपी वाले लोग हैं जो आज गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। गुंडा और मवालियों की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी हो गई, और ये गुंडागर्दी ना दिखाएं, ये चलने वाला देश में नहीं है। आरजेडी ने भी प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया था, तो उस वक्त आरजेडी भी हायतौबा मचा रही थी, आज बीजेपी हायतौबा मचा रही थी, तकलीफ क्यों? एक विजुअल दिखा दीजिए जहां पे आरजेडी ने कुर्सी उठाई हो, आप एक विजुअल दिखा दीजिए जहां हमारे द्वारा पथराव किया गया हो या हमारे द्वारा लाठी उठाई गई हो। लेकिन भारतीय जनता, आप पत्रकार बंधुओं ने दिखलाया किस तरीके से उन्होंने मिर्ची के पाउडर लिए हुए थे, किस तरीके से पुलिसकर्मी पर उन्होंने मिर्ची के पाउडर फेंके, पत्थरबाजी उन्होंने की, तो वो कहीं से भी प्रोटेस्ट करने वाले लोकतंत्र में अधिकार है। आप शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी यह सवाल कर रही है कि अगर मिर्ची पाउडर फेंका गया तो उसका विजुअल जारी करें, सीसी फुटेज जारी करें। ऑलरेडी जारी है, मैंने देखा है, आप ही के द्वारा, आप ही पत्रकार बंधुओं के द्वारा, चूंकि आप उन प्रदर्शनकारियों के साथ उस ग्राउंड पे थे, हम नहीं थे, और आप ही के द्वारा वीडियो जो डाली गई थी उन्होंने उसमें मैंने देखा, मैं भी बिहार में नहीं थे उस दिन, लेकिन आपके द्वारा जो वीडियो जारी हुए थे उसमें मैंने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने हुड़दंगई की, गुंडागर्दी की, अपने मतलब प्रशासन को काम नहीं करने दिया। तो प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लीजिएगा तो वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। चिराग पासवान भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आरजेडी जब विपक्ष में थी उस वक्त हायतौबा मचाती थी जब उनके विधायक को मार्शल आउट किया जाता था, आज वो सत्ता में मौजूद हैं तो वो बीजेपी पर तानाशाह का आरोप लगा रहे हैं। चिराग पासवान ने ब्रिजभूषण पे कोई स्टेटमेंट दिया है क्या? जो महिला खिलाड़ियों पे जो बर्बरता पूर्वक जो है इनके सांसद ने मोलेस्टेशन, इनके सांसद पे मोलेस्टेशन का है आरोप, क्या चिराग पासवान ने उस पर कोई एक शब्द बोला? अच्छा, चिराग पासवान ने इस विषय पे बोला है क्या? संसद में इनके गुंडे विधायक ने कुर्सी उठाई थी, इस विषय पे बोला क्या उन्होंने? भाई
ये वही चिराग पासवान है ना जिनके पिताजी की मूर्ति को, अंबेडकर जी की मूर्ति को बाहर लेकर के फेंका था, तो और ये वही पार्टी वाले लोग हैं जिन्होंने आदिवासी पे पेशाब किया था। तो मैं तो मानती हूँ कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति फेंकना और उस आदिवासी के जो सर पे इन्होंने पेशाब किया, वो दोनों घटनाओं को मैं बराबर मानती हूँ। चिराग पासवान जी सोचे कि वो किन के साथ खड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों ही तरीके से चिराग पासवान जी के पिताजी या अम्बेडकर जी की मूर्ति फेंकनी और उस आदिवासी के सर पे पेशाब करना, मैं दोनों को एक मानती हूँ। निश्चित तौर पर 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, तो 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल अपनी एक अहम बैठक राजधानी दिल्ली में करने जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी का कहना है कि इस बैठक से कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहीं जब चिराग पासवान ने सवाल खड़ा किया आरजेडी के ऊपर कि जब आरजेडी विपक्ष में थी उस वक्त वो सत्ता पर सवाल खड़ा करती थी, जब आरजेडी विधायक को मार्शल आउट किया जाता था, लेकिन आज जब बीजेपी विधायक को मार्शल आउट किया जाता है तो आरजेडी कहती है कि बीजेपी तानाशाह हो गई है। तो आरजेडी आज सफाई दे रही है कि बीजेपी गैर राजनीतिक रवैया अपना रही है। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि विपक्षी एकता की दूसरी बैठक और उसी समय एनडीए गठबंधन की बैठक जब समाप्त होगी तो बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है और देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।